आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल ओनली टीचिंग में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई ने सीटेट के रिजल्ट जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दिए हैं कि सीटेट 7 जुलाई 2019 को होगा। तो इसके लिए अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपके पास 6 महीना है, आप अपना समय जो है पढ़ाई में लगाएं। अब तो इसीलिए दोस्तों मैं भी आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आज का जो लेक्चर है ये मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड है और इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक वो है वेन हिले मॉडल। दोस्तों ये जो वेन हिले मॉडल है इसके ऊपर सीटेट में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो अभी है जानेंगे कि ये मॉडल क्या है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो मॉडल है वेन हिले मॉडल, ये 1957 में इसका उद्भव हुआ। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले 1957 में इसके बारे में बात की गई थी मॉडल के बारे में, और धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते गए और फाइनली ये अपने मॉडर्न फॉर्म में आई। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे ये इसका मॉडर्न फॉर्म पढ़ेंगे वेन हिले मॉडल का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये सिद्धांत है ये ज्योमेट्री सीखने से संबंधित है, मतलब जो वेन हिले मॉडल है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और इसमें हम ये जानते हैं कि बच्चा आखिर ज्योमेट्री कैसे सीखता है, मतलब क्या उसकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो उसको मदद करती है ज्योमेट्री सीखने में। यह सिद्धांत 5 चरणों में विभाजित है तथा इसका किसी आयु सीमा से संबंध नहीं है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो ये सिद्धांत है ये 5 चरणों में है। और जैसे कि पियाजे जी की आपने थ्योरी पढ़ी होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें पियाजे जी ने क्या किया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको डिफरेंट स्टेजेस में बांट रखा है, और जो डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं वो उस मतलब डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरते हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे आते हैं, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 3 से 6 वर्ष होता है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्टेजेस बता रखे हैं, और ये भी बता रखा है कि इस एज के बच्चे इस स्टेजेस में आते हैं। जबकि वेन हिले मॉडल में ऐसा नहीं है। वेन हिले मॉडल में 5 चरण है, यानी कि 5 लेवल्स है, और इन 5 लेवल्स में जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप का ही जो बालक है वो आता हो, वो किसी भी ग्रुप का हो सकता है। हो सकता है कि 11 वर्ष का बालक लेवल जीरो में आता हो, या हो सकता है कि वही 11 वर्ष का कोई दूसरा छात्र लेवल 2 में आता हो। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इसमें कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे नहीं है कि वो इस लेवल में इस ग्रुप के बच्चे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आते हैं कि क्या है ये 5 लेवल ऑफ मॉडल। तो इसमें सबसे पहले आता है लेवल 0, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, हिंदी में बोले तो मानसिक चित्रण। लेवल 0 में क्या होता है कि बच्चा जब किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को पहचानता है तो कैसे पहचानता है, अगर वो बच्चा लेवल 0 में है तो सबसे पहले अपने आसपास की चीजों से उस फिगर को रिलेट करेगा और तभी वो पहचान पाएगा। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को से पूछें कि ये कौन सी फिगर है तो देख के बताएगा सर्कल। क्यों? क्योंकि वो पहचान लेगा कि ये जो आकृति है ये कहीं ना कहीं सन की तरह दिखाई देती है, या हो सकता है उसने 1 रुपए का सिक्का 5 रुपए का सिक्का वो भी ऐसा देखा हो, तो इजिली उनसे रिलेट करके वो पहचान लेगा। अगर आप किसी बच्चे से पूछे ये कौन सी आकृति है तो देख के बता देगा ये ट्रायंगल है, क्योंकि हो सकता है उसने अपने आसपास देखा हो समोसा इसी शेप में होता है, बिंगो इसी शेप में होती है। तो इस तरीके से वो पहचान लेता है कि भाई आकृति कौन सी है अपने आसपास की चीजों से। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो कभी भी जो शेप है उनकी प्रॉपर्टी पे कोई फोकस नहीं करता, उसको वो समझता ही नहीं है कि भाई इस प्रॉपर्टी के क्या गुण है। वो क्या करता है इस पूरी आकृति को विजुअलाइज कर लेता है और फिर उसको अपने आसपास की चीजों से रिलेट करता है और फिर उसको पहचानता है। अगर आप किसी बच्चे से पूछे कि ये क्या है तो इसको भी ट्रायंगल बता सकता है, हालांकि इसमें आप देख रहे होंगे ये 2 साइड आपस में मिल नहीं रही है, लेकिन बच्चा इस पर फोकस नहीं करेगा, वो पूरे आकृति को विजुअलाइज करेगा और उसको क्योंकि ये आकृति अपने आसपास ही किसी चीज से मिलती जुलती दिखेगी तो उसको तुरंत इसको पहचान लेगा कि अरे ये तो ये आकृति है, ये ट्रायंगल है। या अगर उसका नाम नहीं जानता तो उसने जैसे समोसा खाया तो कहेगा ये तो समोसे की आकृति है,
इस तरीके से वो चीजों को बताता है लेवल जीरो में। तो अब हम आते हैं अगले लेवल पे, जो हमारा अगला लेवल है वो है लेवल वन। इसको हम कहते हैं एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। अब लेवल वन में क्या होता है कि लेवल वन में बच्चे चीजों को जब पहचानता है तो उनकी जो शेप्स हैं, जो गुण हैं, उनके उनपे भी फोकस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो इसको देख के कहेगा ये तो रेक्टेंगल है, क्यों कहेगा? क्योंकि वो अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेगा, वो कहेगा कि इसमें दो जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो लंबी हैं और दो जो हैं ये छोटी हैं और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है चारों कोण। तो इस तरीके से वो पहचानेगा कि ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से अगर हम किसी बच्चे से पूछे ये क्या है तो हो सकता है वो कह दे कि ये तो स्क्वेयर है क्योंकि इसकी चारों साइड उसको बराबर दिखेंगी, और अगर उसे ये पता चल जाए कि ये 90 डिग्री का कोण है तो कहेगा हाँ ये तो स्क्वेयर है, क्योंकि वो अब इस लेवल पे आ चुका है लेवल वन पे और अब वो प्रॉपर्टीज पे फोकस करता है और वो इस आकृति के गुणों को पहले जानता है और फिर वो बताता है कि कौन सी आकृति है। वो तुरंत कह देगा स्क्वेयर है अगर ये सभी कोण 90 डिग्री है और ये चारों साइड बराबर है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि लेवल वन पे बच्चा आके गुणों पे फोकस करता है, मतलब जो भी आकृति है उसके गुण पे फोकस करता है कि इसके क्या गुण है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बच्चा कभी भी इन प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट नहीं कर पाता। अगर आप किसी बच्चे से बोले कि ये रेक्टेंगल है, अगर हम किसी बच्चे से बोले कि ये रेक्टेंगल है तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं ये तो स्क्वेयर है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने स्क्वेयर की अपनी अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी है। उसके लिए स्क्वेयर का मतलब क्या है कि चारों साइड्स अगर इक्वल है और प्रत्येक को 90 डिग्री का बन रहा है तो स्क्वेयर है। हम वो नहीं मानेगा कि रेक्टेंगल है क्योंकि उसको तो दिखेगा ही नहीं कि यार ये लॉन्गर साइड होनी चाहिए थी आमने सामने की, दो शॉर्टर होनी चाहिए थी, लेकिन उसको ऐसी चीज कुछ नहीं दिखेगी तो रिजेक्ट कर देगा इसको, कहेगा नहीं ये रेक्टेंगल नहीं है स्क्वेयर ही है। तो ऐसा होता है इस लेवल में कि बच्चा प्रॉपर्टीज जो होती है डिफरेंट शेप्स की प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट नहीं कर पाता अगर वो लेवल वन में है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले लेवल पे, जो अगला लेवल है वो है लेवल टू, जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन यानी कि अनौपचारिक निगमन। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा प्रॉपर्टीज अब जानता है डिफरेंट शेप्स के, लेकिन अब वो क्या करता है कि उन डिफरेंट शेप्स की प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट करना भी शुरू कर देता है। जैसे कि यहां पे ये एक रेक्टेंगल है और ये स्क्वेयर है, अगर हम उसको सारी प्रॉपर्टीज बता दें, अगर हम उसे बोले ये आमने सामने की साइड्स है इक्वल है, ये आमने सामने की साइड्स इक्वल है और इसमें सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो इजिली कहेगा ये तो रेक्टेंगल है। यहाँ पे अगर हम बच्चे को इसकी प्रॉपर्टीज बताएं, बोले सारे साइड्स इक्वल हैं, ये 90 डिग्री है, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो मान लेगा इस बात को कि हाँ ये स्क्वेयर है। लेकिन अगर हम इस लेवल पे बच्चे को बोले कि अरे ये रेक्टेंगल भी है, एक स्क्वेयर रेक्टेंगल भी होता है, तो इस प्रॉपर्टी को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि अब वो लेवल थ्री पर आ गया है और अब वो डिफरेंट शेप्स की प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट करना स्टार्ट कर देता है। होगा क्या कि क्योंकि बच्चा जानता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए, तो स्क्वायर में भी वो प्रॉपर्टीज आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा कि अरे हाँ इसमें भी तो आमने सामने की साइड्स इक्वल है और 90 डिग्री के हैं सारे एंगल्स, तो कहेगा हाँ बिल्कुल ये भी रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा डिफरेंट शेप्स की जो गुण है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, उनको आपस में रिलेट करना सीख जाता है और इस तरीके से वो लेवल टू में आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले लेवल पे, जो अगला लेवल है वो है लेवल थ्री। इसको हम कहते हैं फॉर्मल डिडक्शन यानी कि औपचारिक निगमन। अब इस स्टेज में क्या होता है, एक पॉइंट मिस हो गया, जब हमने लेवल टू पढ़ा था इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसमें हमने जाना था कि बच्चा जो दो शेप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट करता है, जैसे कि ये स्क्वायर था और ये रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने जाना था कि बच्चा क्या करता है, इन जो प्रॉपर्टीज होती है इनको आपस में रिलेट करना सीख जाता है। लेकिन बच्चा इसमें एक चीज और है जो नहीं करता, वो ये है
कि बच्चा इसको प्रूफ नहीं कर पाता, इस लेवल पे बच्चा चीजों को प्रूफ नहीं कर पाता। अगर हम उसे बोले कि इसको प्रूफ करके बताओ, ये तो आपने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको पहचाना ना कि ये भी रेक्टेंगल है, बट इसको प्रूफ करो, तो इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है बच्चे में लेवल टू पे। अब हम पढ़ते हैं लेवल थ्री। लेवल थ्री पे क्या होता है कि बच्चा चीजों को रिलेट तो कर रहा है, हम पढ़ चुके हैं लेवल टू में वो सीख जाता है प्रॉपर्टीज को रिलेट करना, डिफरेंट शेप्स की प्रॉपर्टीज को रिलेट करता है। अब वो लेवल थ्री में जब आता है यानी कि फॉर्मल डिडक्शन में, तो क्या करता है, अब उन चीजों को प्रूफ भी करना सीख जाता है कि हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि भाई ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वेयर है, और स्क्वेयर भी एक रेक्टेंगल होता है, इसको प्रूफ करिए, तो इजिली प्रूफ कर देगा इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है इसके बेसिस पे। इसी तरीके से अगर मैं बच्चे को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दूं, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं बच्चे को एक समबाहु त्रिभुज बना के दूं और मैं उससे बोलूं कि भाई ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, और ये भी एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, या मैं उससे बोलूं कि भाई ये तीनों साइड इक्वल है, तो भाई प्रूफ करो कि ये 60 डिग्री का होगा प्रत्येक कोण, या मैं उसको कह दूं कि ये इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो प्रूफ करो एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से बच्चा चीजों को प्रूफ करना सीख जाता है, वो बहुत सारे प्रमेय थ्योरम्स समझता है, उनको जानता है अच्छे से, और उनका इस्तेमाल करके वो चीजों को प्रूफ करना सीख जाता है। तो जो लेवल थर्ड होता है इसमें बच्चा चीजों को प्रूफ करना सीख जाता है, बस इसमें और इसमें यही डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको डिडक्शन भी बोल सकते हैं, ओनली फॉर्मल डिडक्शन या डिडक्शन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले लेवल पे। अगला लेवल है, ये है लेवल फोर, जिसको हम कहते हैं रिगर यानी कि दृढ़ता। ये जो लेवल होती है ये वेन हिले मॉडल के अनुसार सबसे उच्चतर स्तर की इसमें रीजनिंग आती है, कि इसमें वही बच्चा होता है या ये वही व्यक्ति इस लेवल में पहुंचता है जो काफी बड़े लेवल की मैथमेटिकल रीजनिंग करता है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी तर्कना करता है। इसपे बेसिकली जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, वो आते हैं, जिनमें वो चीजों को प्रूफ करने के साथ साथ कुछ नई नई चीजें क्रिएट भी करते हैं गणित से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा इसमें मैथमेटिशियन लेवल की मैथमेटिक्स आती है, यानी प्रूफ ही नहीं कर रहा हूं, उसके साथ साथ कुछ नया भी कर रहा है, कुछ नई चीजें खोज रहा है, नई चीजें डिस्कवर कर रहा है। तो ये जो होता है ये लेवल फोर होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वेन हिले मॉडल समझ में आया होगा, लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री और लेवल फोर, ये सारे ही लेवल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, कल को आप छठी सातवीं आठवीं को पढ़ाएंगे ज्योमेट्री, ये चौथी पांचवी में भी आजकल बेसिक फिगर्स होती हैं, या थर्ड में भी स्टार्ट हो जाती है बच्चे को, इवन फर्स्ट सेकंड में तो बच्चे को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बता के शेप्स की पहचान करवानी सिखाई जाती है, जैसे कि लेवल जीरो में होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा पढ़ता है, बड़ी क्लास में जाता है, बच्चे को शेप्स के बारे में हमेशा उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताना स्टार्ट किया जाता है, ये चीज आप नोटिस करिएगा। उसके बाद जैसे ही बच्चा और बड़ी क्लास में जाएगा, उसको इस लेवल के अकॉर्डिंग मैथ्स पढ़ाया जाता है, और इसी तरीके से चीजें चलती हैं। तो अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा मतलब किस लेवल में अभी है, क्योंकि देखिए अगर हम बच्चे को जब ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि बच्चा कई बार चीजों को नहीं समझ पाता, ज्योमेट्री में हम पढ़ा रहे हैं रेक्टेंगल ट्रायंगल, वो नहीं समझ पा रहा। इसका कारण ये हो सकता है कि आप बच्चे को लेवल टू के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो लेकिन बच्चे का लेवल अभी वन हो। कि देखिए होता क्या है कि कोई भी बच्चा अगर ज्योमेट्री सीख रहा है तो हमेशा लेवल जीरो से लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री और लेवल फोर इस तरीके से आगे बढ़ता है, वो किसी भी लेवल को स्किप नहीं कर सकता, मैं अगर वो ज्योमेट्री पढ़ रहा है तो इसलिए सबसे पहले शिक्षक होने के नाते आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस लेवल में है और मुझे किस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है एक ही कक्षा में आपको अलग अलग लेवल के बच्चे मिल सकते हैं, कुछ बच्चे जो हो सकते हैं लेवल टू के हों, कुछ बच्चे लेवल थ्री के हों, कुछ बच्चे लेवल जीरो के हों, तो वहां पे आपको सभी बच्चों के लेवल का ध्यान रख के पढ़ाना होता है, ठीक है, और अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है उसको बनानी पड़ती है। तो ये था वेन हिले का मॉडल, इसीलिए सीटेट में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा गया इससे पहले भी,
और फ्यूचर में हो सकता है पूछा जाए, इसलिए ये जो वेन हिले मॉडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो सीटेट में इससे पूछे गए हैं। तो अगर इससे रिलेटेड अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस थे। बेटा दे तो वेन हिले मॉडल से सीटेट में अब तक दो बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पहला फरवरी 2016 में और दूसरा सितंबर 2015 में। तो आइए एक बार देखते हैं क्या प्रश्न था। सबसे पहले है क्वेश्चन वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं हिंदी में समझा देता हूं, निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प ज्यामिति समझ के विकास के सही क्रम को दर्शाता है। अब यहां पे ऑप्शंस है विजुअलाइजेशन, पहले ऑप्शन में सबसे नंबर पे विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। नंबर टू पे फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। नंबर थ्री पे विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, फॉर्मल डिडक्शन या इनफॉर्मल डिडक्शन। नंबर फोर पे विजुअलाइजेशन, फॉर्मल डिडक्शन, एनालिसिस एंड इनफॉर्मल डिडक्शन। तो अगर इन चारों ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन टू तो रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने जब मॉडल पढ़ा तो अभी हमने देखा सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे नंबर वन, नंबर थ्री और नंबर फोर, ये चार जो ऑप्शन है इन चारों में सबसे पहले है विजुअलाइजेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं विजुअलाइजेशन के बाद आता है एनालिसिस, तो अगर विजुअलाइजेशन के बाद एनालिसिस आता है तो यहाँ पे भी देखें फर्स्ट ऑप्शन में भी है, इस तरीके से थर्ड ऑप्शन में भी विजुअलाइजेशन के बाद एनालिसिस है, बट फोर्थ ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम जानते हैं विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इसके बाद आता है इनफॉर्मल डिडक्शन जो कि लेवल टू होता है। तो इनफॉर्मल डिडक्शन हमारा ऑप्शन वन है, तो ये ठीक है, ये थर्ड भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपने देखा वेन हिले मॉडल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था कि आपको सही सीक्वेंस बताना है कि कौन सा पहले आता है, फिर बाद में, फिर उसके बाद में। तो ये लेवल जीरो, ये लेवल वन, ये लेवल टू, ये लेवल थ्री, लेवल फोर होता है रीगर यानी कि दृढ़ता। तो ये था पहला प्रश्न। अब जो दूसरा प्रश्न आया था वो था अकॉर्डिंग टू वेन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्री स्टूडेंट्स हु कैन डिस्क्राइब एंड शॉर्ट आउट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस आर एट। इस प्रश्न का मतलब ये है कि वेन हिले का जो मॉडल है ज्योमेट्री का, उसके अनुसार इनमें से किसमें बच्चा किसी भी शेप्स को यानी आकृति को उसकी बनावट या दिखावट के आधार पर पहचानता है। ऑप्शन है वन लेवल जीरो यानी कि विजुअलाइजेशन, लेवल वन एनालिसिस, लेवल टू इनफॉर्मल डिडक्शन या लेवल थ्री फॉर्मल डिडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था वेन हिले मॉडल में जो लेवल जीरो होता है यानी विजुअलाइजेशन का, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानसिक चित्रण, उसमें बच्चा किसी भी आकृति को अगर वो पहचानता है तो कैसे पहचानता है, पहले वो उसको पूरा देखता है पिक्चर को और वो उसकी जो दिखावट है, उसकी बनावट है, उसको अपने आसपास की चीजों से कंपेयर करता है और फिर पहचान पाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब है वो है ऑप्शन वन यानी कि लेवल जीरो विजुअलाइजेशन। तो इस तरीके से आपने देखा किस प्रकार से वेन हिले मॉडल में से डायरेक्ट दो प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं और इसीलिए ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार के पेपर में इसमें से प्रश्न आ जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैं ऐसे ही और भी लेक्चर्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपसे छूटे ना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।